आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे। मैं यहाँ मर्द या औरत के बीच के विवाद पे बात नहीं करना चाहती, ना मैं किसी मर्द की निंदा और किसी औरत की प्रशंसा करना चाहती। मैं सिर्फ हमारे समाज से कुछ सवाल करना चाहती, किसी मर्द की बेइज्जती करके नहीं, लेकिन अपने हक की बात करते। तो शुरू करती हूँ। हमारे स्त्री के जीवन के हर भाग को ढालते हुए कि तन मेरा पर हल्दी का रंग मेरे पति के नाम, मेहंदी पत्नी की पर नाम पति के नाम का, सिर पत्नी का पर चुनरी पति के नाम की, मांग पत्नी की पर सिंदूर भी पति के नाम का, माथा मेरा पर बिंदिया पति के नाम की। आज जो बिंदी है वो मेरे अपने नाम की है, पति के नाम की नहीं है, तभी तो बोला अपने लिए लगाया आज तो। नाक मेरा पर नथनी पति के नाम की, गला पत्नी का पर मंगलसूत्र पति के नाम का। कहते हैं कि मंगलसूत्र अगर नीचे गिर गया या मंगलसूत्र को कुछ हो गया, मतलब आपके सुहाग को खतरा है। अक्सर उसे रिलेट किया जाता है कि वो पति का सुरक्षा कवच है। गला पत्नी का पर मंगलसूत्र पति के नाम का, कलाई पत्नी की पर चूड़िया पति के नाम की, पाव पत्नी के पर पायल भी पति के नाम की, उंगलियां पत्नी की पर बिछुए भी पति के नाम के। बड़ों को जो चरण वंदना करते हैं उसमें पत्नी का हिस्सा नहीं लेकिन पति का आशीष प्राप्त होता है। और तो और करवा चौथ, वट सावित्री और देश के हर रीजन से अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं लेकिन पति के नाम के। व्रत भी औरत का, तन भी औरत का, लेकिन नाम और आशीष पति का। यहाँ तक कि कोख भी पत्नी की, खून भी पत्नी का, पर बच्चा पति के नाम का। घर के दरवाजे पे लगी नेम प्लेट भी पति की, शादी से पहले या शादी के बाद। स्त्री का नाम और गोत्र भी पति और पिता। शिकायत नहीं है मुझे ना कोई गिला, शिकायत नहीं है मुझे ना कोई गिला, बस एक सवाल है सब पुरुष से, औरत के जीवन के हर क्षण में, हर रूप में, जब पति का नाम है, पति की अपनी एक भूमिका है, तो पति पुरुष भ्राता जो एक नारी से ही पूर्ण होते हैं, तो वो क्यों नहीं मानते कि औरत का भी अपना कुछ अस्तित्व है। कैसे कह दूं कि नारी का कारवां आ गया है, कैसे कह दूं कि नारी का सशक्तिकरण हो रहा है। यदि सुन सकते हो तो सुनो, यदि सुन सकते हो तो सुनो, गलत हूं या सही हूं वो तुम खुद चुनो। आज भी बाहर जाने से क्यों डरती है नारी, आज भी बाहर जाने से क्यों डरती है नारी, घर के भीतर ही दुनिया क्यों गड़ा लेती है नारी, धर्म के नाम पर क्यों झुकती है नारी। 21वीं सदी में भी अबला क्यों होने लगी है नारी, घूंघट में सपने अब भी बुनती है नारी। आप कई एरियाज में जाओ अभी भी काफी इंफीरियर तरीके से विमेन को ट्रीट किया जाता है। आज हम यहाँ सब लेडीज बैठे, हमने भी कितनी जंग लड़ी होगी और आज भी हम कितनी जंग लड़ रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज भी नारी के आजादी की बेड़िया खुद बन रही है। लाट टपकाते भेड़ियों के हौसले अभी भी क्यों बुलंद है। बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है पर बेटी क्या करेगी ज्यादा पढ़ लिख कर, ये सवाल क्यों घर घर में आता है। इसे तो मंडप में ही बैठना है, इसे तो मंडप में ही बैठना है, शादी करके बच्चे करके, करे ना करे घर गृहस्थी ही संभालनी है। बेशक से वही माँ बाप अपने बेटियों को पढ़ा लिखा के चाहते है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर, पायलट बने, अपनी फील्ड में बहुत एम्पावर हो, लेकिन शादी के बाद या शादी से पहले जब बात छिड़ी जाती है मिलने की या रिश्ता आगे तय करने की कि हमें मंजूर है अगर हमारी बेटी आपके घर रह के काम करे, पर ये हमें मंजूर नहीं कि कुछ करे अपनी मर्जी से, वो आपकी बेटी आप जानो शादी के बाद। लड़का सीना ताने खुले आम चलता है, लड़की चले तो हाय तौबा संस्कृति है या क्या है, क्यों कहा जाता है। स्त्री के प्रेम को जो दर्द और मर्द मिलता है, स्त्री के प्रेम को जो दर्द और मर्द मिलता है मौका मिलते ही, उसे क्यों भला बुरा कहा जाता है।
समाज बेटे की चाह में अब भी मारा जा रहा है, छुप छुप कर भ्रूण हत्या आज भी की जा रही है। कैसे कह दूं कि नारी का कारवा आगे बढ़ रहा है, कैसे कह दूं कि नारी का सशक्तिकरण आज भी हो रहा है। जीने का इसको अधिकार मिलना चाहिए, जीने को इसको भी अधिकार मिलना चाहिए। सृष्टि की रचयिता नारी है, उसे भी वही सम्मान, वही प्रेम, वही दुलार मिलना चाहिए। एक रूप में कई रूप है, जिसके तो ईश्वर भी आभारी है। नारी का अस्तित्व जो सबसे शक्तिशाली है। अक्सर हम लड़कियां कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, हम पढ़े लिखे, हम कमाते, हम ये है, हम वो है, सब है। हम पुराने टाइम से लेकर आज तक और अनंत कालों तक देवी देवताओं की पूजा करते और करते रहेंगे, लेकिन क्या कब हम अपनी पूजा करने पे फोकस नहीं करेंगे? क्या हम खुद को बलवान करने की कोशिश नहीं कर सकते क्या? मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती है कि बेटा तुझे जो करना है कर, अपने पैरों पे खड़ी हो, लेकिन ये मत भूलना कि तू नारी है, तू वही काली, वही चंडी, वही लक्ष्मी का स्वरूप है। बस खुद को इतना योग्य कर, अपनी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दे, अपने आप को खुद योग्य कर, अपनी जो अंदर की ताकत है खुद उसे जगा। सब पर नारी भारी है, बस नारियों खुद को जगाओ, खुद को बलवान करो, कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।